हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी। आलू का चोखा तो आपने खाया होगा, आज हम बनाएंगे बैंगन का चोखा। इसे बैंगन का भरता भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं। बैंगन को मैंने बीच में से कट कर लिया है, इससे हमें पता लग जाएगा बैंगन अंदर से एकदम साफ़ सुथरा है। इसी तरीके से दोनों बैंगन को मैंने चेक कर लिया है। मैं बैंगन को हल्का से कट करके चेक कर लेती हूँ, कई बार बैंगन में कीड़े भी निकल जाते हैं, बरसात का टाइम है। तो अब हम इसे धीमी आँच में गैस में पकने देंगे चारों तरफ से। मीडियम कर रखी है मैंने गैस की आँच और अच्छे से इसको उलट पुलट के चारों तरफ से पका लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम पका लेंगे इसे, दोनों बैंगन को इसी तरीके से अच्छे से पका लेंगे। ये हमारे बैंगन पक चुके हैं, दोनों एकदम रेडी हैं। अब हम आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम ना छिलका इस तरीके से हाथ से उतार लेंगे, ईजिली उतर जाता है। थोड़ा सा ठंडा होने देना, पर मैं तो गर्म गर्म ही निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से गर्म गर्म ईजिली निकल जाता है, ठंडा होने के बाद थोड़ा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मैंने दोनों बैंगन साफ़ कर लिए हैं, ये देखिए। और यहाँ मैंने ये छिकल निकाल के रख दिया है अलग से। और ये दो बड़े प्याज कट कर रखे हैं बारीक, और एक टमाटर और चार लहसुन की कली कट कर रखी है, और एक हरी मिर्च मैंने तोड़ के काट दी है। ये हमारा सारा रेडी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। इस पे मैंने ऑयल डाला और जीरा डाल दिया है गर्म होने पे। अब लहसुन की कली ऐड कर दी है। ब्राउन होने पे हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम अपने और काम कर लेते हैं। तो अब ये देखिए ये बैंगन के जो बीज है ना, इनको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि पथरी होने का इससे डर रहता है। तो मैं सारे बीज को साइड कर देती हूँ। ये देखिए बीज मैंने निकाल दिए, देखिए कितने सारे बीज हो रहे थे इसमें, और बैंगन मैंने अलग कर दिया है। इधर हमारा प्याज भी भुन गया है। तब तक अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने काटे थे। आप इसको ग्रेवी भी बना सकते हैं टमाटर की, लेकिन कटे हुए टमाटर का टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता है, इसलिए मैंने बारीक काट के डाला है। इसमें हम नमक ऐड कर दिया है 1 चम्मच स्वाद के अनुसार, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, सिंपल सॉवर टेस्टी खाना बना है। मैं खाने में ज़्यादातर नॉर्मल मसाले ही डालती हूँ, जो इजीली सबके घर पे अवेलेबल भी होते हैं और सेहत के लिए भी ठीक होते हैं। तो मैंने नॉर्मल मसाला डाला है इसमें, इससे भी काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो इसको अच्छे से पकने देंगे। मसाला पकने के बाद हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। ये मैंने बैंगन ऐड कर दिया है और इसकी डंडियाँ भी साथ में ऐड कर दी है, इसका टेस्ट भी कुछ अलग ही होता है। ये देखिए मैंने इस तरीके से डाल दिए दोनों डंडियाँ। अब हम इसको अच्छे से करछी की सहायता से पुश करके अच्छे से पकने देंगे, इसको एकदम रबड़ी टाइप में बना देंगे और धीमी आँच में पकने देंगे इसको 15-20 मिनट। इस पर पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही हमने पूरी सब्ज़ी रेडी करनी है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी है, क्या लाजवाब बनी है, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सब्ज़ी हमारी रेडी है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।